आज मैं आपके साथ लाई हूँ कुछ टिप्स, किचन टिप्स, जो आप सबको किचन में बहुत ही हेल्प करेगा। सो ये देख सकते हैं, ये चीनी का डिब्बा है। तो चीनी में अक्सर बरसातों के दिनों में ख़राब होने लगती है, ये चिपचिपा होने लगती है। सो देख सकते हैं अभी खिली खिली दाना है। अब बरसात के दिनों में ना पता है चिपचिपा होने लगती है, तो चिपचिपा होने से बचने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें चावल के कुछ दाने रखेंगे। देख सकते हैं टिश्यू पेपर में कुछ चावल के दाने लेंगे और इसको इस तरह से इसमें इस तरह से रख देंगे। ये बरसातों के दिन में ख़राब कभी नहीं होगी और ना ही चिपचिपा होगी। सो ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। टिप्स है ये ड्राई फ्रूट्स के लेकर। सो बरसातों के दिन में ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी ही ख़राब होने लगती है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में आप भी स्टोर कर सकते हैं, या एक तरीका और है इसे स्टोर करने के लिए, एक टिश्यू पेपर में क्या कीजिएगा, इस तरह से चीनी ले लीजिएगा, कुछ दाने चीनी के, और इसमें रख दीजिएगा इस तरह से। तो इसमें कभी नहीं ख़राब होगा, ना कीड़े लगेंगे, ना मकोड़े लगेंगे, और ना ही नमी आएगी इसमें, और मीठा भी रहेगा। सो इसको इस तरह से रख देंगे। टिप के तरफ, तो ये मैंने टमाटर लिया, हमारे घर में तो हर घर में टमाटर रहती है, तो इसे स्टोर कैसे करें हमें पता नहीं होता है। सो जब भी जाते हैं मार्केट तो ढेर सारे टमाटर ले आते हैं, तो चलते इसे बताते हैं स्टोर करने के तरीका। तो चले बताते हैं आपको। तो देख सकते हैं ये वाला, यहीं से ही सड़ना स्टार्ट हो जाता है। सो देख सकते हैं, इसे मैंने एक कैंडल लिया, इसे जला लिया, इसे इस तरीके से इसको मोमबत्ती को जला के यहाँ पे एक से दो ठोप यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको बीच में ही डंठल रहता है ना, वहाँ पे डंठल जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे से आपको इस तरह से लगा देना है। ये आपकी ख़राब नहीं होगी, आप कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक इसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे टमाटर के डंठल के बीच रहते हैं ना, वहाँ पे इस तरीके से भर देंगे कि ये, ताकि ख़राब नहीं, इसे में हवा नहीं जाएगा तो ये ख़राब नहीं होगा। सो आप इसे स्टोर कर सकते हैं, अच्छे से स्टोर हो जाएगी ये। देख सकते हैं इस तरीके से स्टोर हो जाएगी आपको अच्छे से। सो नेक्स्ट टिप्स है ये प्याज को लेके। सो इसे बहुत ही प्याज को लेकर ये बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, इसका ग्रोथ हो जाता है बरसात के दिनों में, अभी बहुत जल्दी ही इसका ग्रोथ हो जाता है। तो इसे कैसे स्टोर करें कि ताकि ये ग्रोथ ना हो, इसमें देख सकते हैं इस तरह से। तो प्याज को क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे ठंडे जगह पर रखें कि ताकि इसमें ग्रो नहीं हो और ये सड़ने गलने से बचे। और इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेपर लेंगे और ये पेपर को क्या करेंगे, इस तरह से इसे इस तरह से, नहीं आ रहा है, इस तरीके से इसे इस तरह से बांध के भी रख सकते हैं, कागज में इस तरह से कवर कर दीजिए, तो जो इसका ग्रोथ नहीं होगा, ये आपका प्याज भी अच्छा रहेगा, सड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। तो क्या एक तरीका और है, इसे आप क्या करके, इसका जो ये है ना, ये वाला ये पोर्शन है ना, इसे आप जला दीजिए इस तरह से, इसे जला दीजिएगा ना तो ये ग्रो नहीं करेगा। इस तरीके से आप इसे जला दीजिए, देख सकते हैं इस तरीके से दोनों तरफ जला दीजिए कि इसका ना ये ग्रोथ नहीं होगा और आपका प्याज एकदम परफेक्ट रहेगा। देख सकते हैं इस तरीके से आप इसे जला सकते हैं, जला दीजिए, जो आपकी प्याज ग्रोथ नहीं होगी और नहीं सड़ेगी। सो इस तरीके से सो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरीके से आप चला लीजिएगा। चिप्स है ये आटा को छानने के लिए। तो देख सकते हैं ये, इसे आटा छानने में
क्या होते हैं ना, ये पूरा छन्नी में चिपक जाती है आटा को। तो इसे क्या करेंगे, इसे बचने के लिए आपको क्या करना है, कुछ क्वाइन लेना है आपको, इसमें कुछ क्वाइन रख देना है इस तरीके से आपको। और इसके बाद आपको छानना है इस तरीके से, देख सकते हैं। आपको दूसरा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये छन्नी में छिपकेगा भी नहीं, पूरे अच्छे से ये छन जाएगा, देख सकते हैं। ऐसे हमको दोनों हाथ से ही मतलब कि यूज करना पड़ता है तो छन ना पाता है आटा को। तो देख सकते हैं, आपको एक ही हैंड से आपको अच्छी तरह से छन्नी, ये देख सकते हैं, आइए चिपकेगा भी नहीं अच्छे से, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो है इसे क्वाइन के चलते ये आटा तुरंत ही छन गया। तो इस तरीके से आप आटा को छान सकते हैं बहुत ही जल्दी, और बहुत ही यूजफुल ये ट्रिक है। आई होप ये ट्रिक आप सबको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे ये ट्रिक तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।